मैंने हमारे कप्तान साहब का कुछ ही समय में अगले जंगल में आगमन होने वाला है। मैंने हमारे पत्रकार महोदय भी उनके बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैंने हमारे कप्तान साहब का आगमन हो रहा है। संदर्भ मीडिया खड़ी होगी मीडिया को देने के लिए। मान्य हमारे कप्तान साहब का फूल है, चंदन है, रिश्तों का बंधन है। साहब राष्ट्रीय चंद्रा कुश्ती नगर में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। क्या बोल लू शेर, मैं शेर शायरी करवाऊंगा, उठा भाई इसका। हाँ, चले को आग कहते हैं, बुझी को राग कहते हैं। चले को आग कहते हैं और बुझी को राग कहते हैं, और उससे बनी बारूद को तो पट्टे को विक्की पहलवान पंजाब की छान और शान कहते हैं। और उन्हीं के सवालों के जवाब में ध्यान रखना, पंजाब में केजरीवाल है, उत्तर प्रदेश में बाबा जी है भगवंत मान, वो सरकार तो वही है ना। अच्छा भगवंत मान है, अच्छा चलो जब तो भगवंत मान हुए है, पावर का किस में पावर है, रखी जाएगी। चलो हाँ।
भाई कुश्ती के लिए कोई सुपर कुश्ती तैयार रखो भाई। हाँ सुपर कुश्ती तैयार रखिए भाई कोई। अरे भैया करिए पंजाबी। ये उत्तर प्रदेश की धरती है, आज कुछ काम करके दिखा बेटा। हाँ चलिए बहुत अच्छी कुश्ती बड़ा शानदार मुकाबला। भैया बाहर से मत बताओ कोई भी, हाथ जोड़ रहे हैं। हाँ बेटा बीच में लिया सी पोजी सब खेच के बीच में लिया। चलिए चलो बहुत अच्छी कुश्ती शानदार मुकाबला आपके बीच में। चलिए अरे है टांग मार रहा था लेकिन टांग वहां तक के पहुंच नहीं रही है आपकी, उसकी लंबाई ज्यादा है ना पंजाब के पहलवान की। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। उंगली का ध्यान रखना, केले उंगली छोटो। हाँ गट्टा पकड़ लो चलो। बहुत अच्छी कुश्ती हो रही है। अरे उधर दंगल अध्यक्ष करिए माला माला। अरे भैया आप थोड़ा सीधे हट जाओ, बहुत बड़े यूं समझ लो वजन देख लो इनका। हाँ चलिए भाई बहुत अच्छी कुश्ती। प्रधान जी की तरफ से 1,000 रुपया मिलेगा तुमको अगर कुश्ती बढ़िया दिखाओ, और 5,000 हमारे प्रधान जी ने दंगल कमेटी को दिए हैं। धन्यवाद करते हैं हम प्रधान जी का। रख दिया घुटना, ये है पंजाब का घुटना बेटा। हाँ चल जीदारी कर, चलिए आप भी जीदारी करो भाई। चलिए हो गया। पंजाब का पहलवान इसमें विजय रहा भाई, बहुत अच्छे। ए पहलवान जब चित कर ले तो क्यों कर रहा है? जाओ अपना इनाम ले लो, प्रधान जी से जाओ। रुक जाइए अभी 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 2 मिनट का समय दे दिया साहब, बस 2 मिनट। जाओ 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 ले लीजिए, ले लीजिए अपना इनाम। हेलो ले लो भाई, जाओ बुला रहे हैं, जाइए 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 ले लीजिए अपना इनाम। मानिए अभी बस 2 मिनट रुक जाइए आप। बस 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 जल्दी करा दो, माननीय हमारे कप्तान साहब अपने सुंदर कदम बजरंग बली के स्थान पर लाएंगे। थोड़ा क्षमा कीजिए, कहीं पर मेरे हिंदी में कोई दिक्कत है तो आपको समझ में नहीं आ रहा था, जितना मैं मेरे से हो सके इतना मैं आपको समझाऊंगा। एक बात है कि इतने लोगों से बात करने का बहुत ही मतलब एक खुशी महसूस हो रही है। उसके अलावा जैसे यहाँ पे आप दंगल देख रहे हो, कुश्ती देख रहे हो, हम भी पुलिस
जो आपके अपने पुलिस जो है, हम हर दिन कुश्ती लड़ते हैं अपराधिक तत्वों से, गुंडों से और बाकी वैसे लोगों से जो नॉर्मली मतलब हमारे समाज में मतलब कुछ शांति अमन और चैन जो है उसको मतलब ठोस पहुंचाना चाहते हैं, उनसे हम हर दिन कुश्ती लड़ते हैं और हमेशा जीतते हैं। उस कुश्ती में हमेशा पुलिस ही जीतती है, कोई दूसरा नहीं जीतेगा। चाहे भले थोड़ा लेट हो जाए, थोड़ा विराम हो जाए, लेकिन जीतना हमेशा पुलिस को है। उस कुश्ती में जहाँ गुंडों से आपराधिक तत्वों से जो हमारी कुश्ती होती है, उस कुश्ती में हमेशा हम ही जीतते हैं आप लोगों के लिए। तो एक तरीके से आप देखें या ना देखें, हर दिन आपके पीछे, आपके सामने, आपके लिए हम लोग हर दिन, आपके लिए और पूरी समाज के लिए हम लोग हर दिन ये वो कुश्ती लड़ते हैं, उसके लिए हमें बहुत खुशी महसूस होती है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं पैदल गश्त कर रहा था। मैं इस समय पे हमारे कोतवाल को और सीओ साहब को, दोनों को भी धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने यहाँ पे हमें बुलाया। और ये जो आयोजक करता पहलवान साहब, आपके प्रधान जी, बाकी सभी जितने भी यहाँ पे जनमान्य लोग हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा एंगल जो है यहाँ पे आयोजन हो रहा है, आप इसका बहुत ही मतलब मनोरंजन लीजिए। अच्छा मतलब अपने मनोल्लास जो होनी है हर दिन कीजिए, बाकी शांति और अमन से मतलब बढ़िया मतलब ये आयोजन हो रहा है, उसके लिए सभी आयोजकर्ता को भी धन्यवाद। और SHO को मैं निर्देश देता हूँ कि बढ़िया व्यवस्था करना, कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो हमें बताना। जय हिंद, जय भारत। हमारे कप्तान साहब का कहना है कि वक्त आने से पहले, वक्त आने से पहले उठा लेते हैं हथियार हाथ में हमने, और जब इससे पहले कभी तैयारी किया नहीं करते, और जिस देश की हम तो मगर रोटी खा लेते हैं उससे कभी इकट्ठा नहीं किया नहीं करते, ऐसा छोटा ताने से स्वागत किया जाए हमारे कप्तान साहब का। अरे थोड़ा दूर दे रहा है पर ढाल तुझे। अच्छा मानने वाले कप्तान साहब 5 मिनट की कुश्ती देखते जाना बस। अच्छा अच्छा अच्छा।